जय सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रथम लागु दो चरण को धनिए न किन तली लाल लालिया मेरे जीव के जीवन इन पाओ तले पड़े रहूं धनी नजर को लो बा तू पलना वालो नेत्री मेरे जीव के जीवन मेरे जीव की सुंदर कल हमने छोटे रंग चार हार हवेली की शोभा देखने का प्रयास किया राज्य के मेहर से राज्य के लाट से उनकी शोभा में फिर से डूबने का प्रयास करते हैं छोटी रंग छोटी रंग चार हार हवेली वो क्यों बोला है क्योंकि इसकी पांच नहरों के बीच में चार चौक बनते हैं चार हारे यानी कि घेर कर हमारी बन की नहरों के साथ लगती पहली हार दूसरी तीसरी और चौथी चार हारे और एक एक चौक में एक हवेली की शोभा जो कि साठ हजार भूम गई है अब वो चौक कितना बना है हमारा बन की नहरों तक बारह सो तक नहर आगे बढ़ी सब बारह सो बारह सो कोस के चौक बने थे अब यहां से जो नहर आगे बढ़ी है वो है सवा दो करोड़ कोस की नहर आगे बढ़ी फिर चय बच्चा यानी कि फिर ताल आ जाएगा फिर सवा दो करोड़ ऐसे ही पांच नहरें बढ़ेंगी और उसमें चौक कितने हो गए हमारे चार। तो घेर के कितने बने हैं ये बत्तीस ऐसे ही हमने जवेरों की नहरों के चौक बनाए थे अब ये तो अनगिनत है क्योंकि जगह काफी है बारह सो बारह सो के काफी चौक बने घेर के और ये हमारे हमें इसकी गिनती याद है जवेरों की नहर के कितने घेर के आए थे सुंदर साथ बताएंगे कि कितने घेर के आए हमारे चौक प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी एक सौ अट्ठाईस हाँ एक सौ चौबीस हाँ एक सौ चौबीस एक सौ चौबीस हाँ जी ठीक है और कितनी नहरें थी इसमें नहरों की दस, कितनी दस नहरों में नौ चौक नौ चौक और इसमें हमें पांच नहरों में चार चौक बन रहे हैं तो ये घेर के बत्तीस हमारे एक और बत्तीस के चार चौक हो गए तो ये एक सौ अट्ठाईस हमारी हो गई छोटी रंग की हवेलियां ठीक है अब रंग का मीनिंग होता है किला के, ले के समान बड़ी अब कोई गिनतियां नहीं होंगी हाँस बहुत बड़ा अभी मैं समझाने लगूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाँस की शोभा अलग है और यहाँ तक जाते जाते वो हाँस की लंबाई और बढ़ जाती है तो अभी हम शोभा के लिए समझेंगे कि सवा दो करोड़ कोस का एक चौक और हमारी नहर की भी यहाँ चौड़ाई बढ़ गई जैसे हम यहाँ तक नहर कितनी हमारी आ रही थी चार सौ कोस की चौड़ी अब यहाँ पे कितनी हो जाती है बारह सौ कोस की चौड़ी नहर हो जाती है जिसमें चार सौ में जल और आसपास हमारे सौ में पाल इधर और इधर सौ पाल तो पालों को डिवाइड कर देते हैं कि बीच में वन की तरफ वन रोज और जल की तरफ जल रोज तो यहाँ आते आते पाल की और नहर की भी चौड़ाई बढ़ जाती है तो बारह सौ कोस की नहर हो जाती है चौड़ी अब चौक हमारा सवा दो करोड़ कोस का बना है अब उसके अंदर भूम भरूचा चबूतरा उठा है उसकी शोभा को हम देखते हैं कल भी दिखा था। एक बार और देखते हैं। ये हमारे सवा दो करोड़ कोस का ये चौक और ये नहर कितनी है बारह सौ कोस की अब ऐसे चौक हमारे कितने घेर के आए हैं बन की नहरों के साथ लगकर ऐसे बत्तीस तो चारों चार फिरावे हो जाएंगे बत्तीस बत्तीस एक सौ अट्ठाईस चौक यानी एक सौ अट्ठाईस छोटी रंग की हवेलियां अब हम नहर को पार करेंगे बीच में पुल बने हुए हैं नहर के चारों कोनों पर हमारे ताल तालों में फुआरे पांच फुआरे वैसे ही शोभा जैसे सब नहरों में आती है यहाँ पे अब साइज बढ़ गया है सब कुछ वैसे तो नहर के आगे हम बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हमारे चार चांदनी चौक यानी कि भूम भर ऊंचा चबूतरा पूरा सवा दो करोड़ कोस का जो चौक है उसके वन थर्ड यानी कि पिचहत्तर लाख कोस का भोम भर ऊंचा चबूतरा चबूतरे से चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई या चढ़ती हुई चबूतरे के ऊपर अब नीचे की शोभा देखते हैं कि इस चौक में क्या शोभा आई है चार चांदनी चौक चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे कि रंग महल में चांदनी चौक सामने आते हैं हमारे वहां पे एक है यहाँ इस हवेली के चारों तरफ अब चांदनी चौक बढ़ते जाएंगे बड़ी रंग की हवेली यानी कि बड़ी हवेलियों में वहां और बढ़ जाएंगे रंग महल में हमने एक देखा अक्षरधाम के भी चारों तरफ चार अब यहां पे छोटी रंग की हवेली में भी चार चांदनी चौक और नीचे क्या है उनके बगीचे हर दिशा के बगीचे और कॉर्नर्स के यानी कि अगिन नैरित वायव और ईशान में भी बगीचे तो आठ बगीचे अब बगीचों की शोभा भी जैसे ये साठ हजार तो बगीचे भी हमारे साठ हजार भोम वैसे ही गए हैं तो बगीचे में भी बारह हजार की बारह हजार हारे बगीचों की भी और यहाँ चांदनी चौक आने से कम हो जाते हैं तो यहाँ बाकी बगीचे मतलब जैसे पिछहत्तर हजार को उसका चौक है उसका वन थर्ड चांदनी चौक ले लेंगे बाकी जगह बगीचे ने ले ली तो अभी शोभा समझ रहे हम गिनती नहीं तो बगीचे जाएंगे साठ हजार अब जो पास वाला चौक यहाँ से इधर जो हमारा चल रहा है ये पहला चौक नहर के साथ इधर बन की नहरों के वृक्ष उन्होंने भी इनके साथ मिलान कर लिया सब चांदनी एक हो जाएगी इन हवेलियों की और बन की नहरों की सबकी एक चांदनी क्योंकि वो भी साठ हजार भूम गए हैं और ये भी हमारे साठ हजार भूम बगीचे भी इनके बगीचे इनके साथ लग जाएंगे बिल्कुल सिर्फ चांदनी चौक नीचे रह जाएगा बाकी सब बगीचों ने इधर आके छज्जों से मिलान कर लिया तो ये तो हो गई नीचे की शोभा यानी कि नीचे चौक में बोम्बर नीचे जो हमारा चौक बना है उसकी शोभा नहर की शोभा हमने समझी चौक नीचे जमीन की शोभा अब चलते हैं ऊपर, ऊपर आ गए हम, इस कोस के चबूतरे के ऊपर अब इस चबूतरे पे क्या शोभा रहती है चार सौ कोस की रोस, अब यहाँ पे कोई वो वाला हिसाब नहीं चलेगा रंगमल का यहाँ कोस बहुत महा कोस हो गए हैं कोई गिनती नहीं है इसलिए सिर्फ शोभा को समझे हम उसके बाद इस पर हमें एक दिशा में हमें हवेलिया नजर आएंगी बारह हजार की बारह हजार हारें हवेलियों की बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारें और हमारी जैसे जितनी हवेली जैसे हमारी तीन कोस की एक हवेली है तो बीच में भी त्रिपोलिया तीन बारह कोस का जितनी हवेलियों ने जगह ली है उतनी ही हमारी त्रिपोलिया यानी दो थम्भों की हार एक हवेली बीच में त्रिपोलिया फिर हवेली बीच में त्रिपोलिया ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है याद करो कौन कौन सी जगह पे हमने शोभा ऐसे देखी है हवेलियां फिर बीच में त्रिपोलिया कहाँ पे शोभा आई है सेम समान ऐसी शोभा प्रणाम जी जी शोभाज पहाड़ के आकाशी मॉल में तेरह महलों की तेरह हारे तेरह हवेलियों की तेरह हारे हैं और चांदनी में भी चार चार हारे है। हैं त्रिपोली है माहौल में जो चार की चार हारे थी सोलह हवेलियों का जो एक में आया था उसमें भी हवेली और बीच में त्रिपोलिया हवेली और त्रिपोलिया अब यहां पे हमारी शोभा को हम समझते हैं एक हवेली की शोभा ठीक है एक हवेली कैसी बनी हुई है हमारी एक हवेली एक हवेली फिर वैसी ही सभी बारह हजार हवेलियां की शोभा मानी जाएगी हमारी हवेली का साइज है तीन सौ बारह की हवेली और तीन सौ बारह का ही त्रिपोलिया तो पहले हम हवेली की शोभा देख रहे हैं तो हवेली तीन बारह की है तो पूरी जगह उसने ले ली है पूरी ही यानी कि एक सौ चार में हमारा दरवाजा हो गया और एक सौ चार में दोनों चबूतरे हो गए तो टोटल ही हमारा ये कवर कर लिया है सामने जो दीवार है पूरी चबूतरा इतना बड़ा और पूरे बीच में बड़े बड़े दरवाजे पूरे इधर दो बड़े चबूतरे तो अब इस दरवाजे से हम अंदर आ रहे हैं तो हमें क्या दिखता है दो मंदिरों की यानी कि छे हजार मंदिरों की दो हारे ये पहली छ हजार मंदिरों की हार और फिर आगे चलते हैं दो थम्बों की हार तीन गलियां फिर आगे चलते हैं तो ये छे हजार मंदिरों की हार और फिर दो थम्बों की हार तीन गलिया अब सुंदर जी मानिक पहाड़ में क्या था हमारे हमारे एक हवेली की शोभा कैसे आई थी मानिक पहाड़ की उसमें हम मेन दरवाजे और चबूतरों से अंदर आते थे तो क्या दिखता था हमें क्या नजर आता था एक हवेली की शोभा में मानिक पहाड़ की एक हवेली में क्या शोभा हमने समझी थी क्योंकि हम समझ चुके अच्छे से मानिक पहाड़ की शोभा को विजय आंटी एक चबूतरे से आएंगे तो एक मोटी दीवार थी फिर दो थंबो दो थंबों की हाथ वो मानिक पहाड़ की मेन वॉल से अंदर जा रहे हो लेकिन एक हवेली हाँ। के अंदर चलो आप हवेली के अंदर ठीक है हवेली अच्छा। के अंदर आते थे तो क्या दिखता था हमें मानिक पहाड़ की एक हवेली के अंदर आते थे तो हमें क्या दिखता था हवेली के अंदर आए तो तो वहां एक ये मंदिरों की हार आई थी है ना नहीं मंदिर नहीं आए थे ये तो हमारे मंदिर तो इधर आए हैं ना में हाँ। वहाँ पे क्या आते हैं पंद्रह सो याद करो पंद्रह सौ मंदिर पंद्रह सौ इधर आते थे तीन हजार मंदिरों की तीन हजार मंदिर थीन... मत बोलो हवेली में क्या होता है मंदिर में माहौल मंदिर में कोठरिया कोठरिया मंदिर में कोठरिया होती थी ना हम्म कोई बात नहीं आपको आता है लेकिन शब्दों में नहीं आ रहा कोई बात नहीं कोई और सुंदर साथ बोले हाँ कोई बात नहीं मैं समझ रही हूँ सुंदर साथ बोले अभी मंदिर नहीं है हमारी हवेली, हवेली, हवेली है हवेली से अंदर चलो हवेली में महल, आएंगे, महल। हा, 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 अब आए ना सही हाँ सही बोल रहे हो? हो जाती कोई बात नहीं इतना चलता है लेकिन आप नहीं है ना इतना बोल रहे हो वो कम नहीं है महलों की पंद्रह सौ पंद्रह सौ की महलों की आ रहेगी हम्म और कोई सुंदर साथ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल दिया आपने हवेली में अंदर आए तो पंद्रह सौ महलों मतलब टोटल एक दिशा में तीन हजार घेर के कितने आए हाँ। बारह हजार हाँ। और अंदर चलते थे तो कमर भर नीचे बगीचे फिर चबूतरा चबूतरे और हिंडोली हाँ जी। है ना इसको याद रखो कि हमारे मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा अब हम समझ रहे हैं महल फिर बगीचे नीचे बगीचे फिर चबूतरा चबूतरे पे, 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 पे चबूतरे पे थम और उसपे भी बगीचे हैं और हिंडोले अब हम हिंडोले। चलते हैं छोटी रांग की एक हवेली क्या डिफरेंस आया है ना ये हमने मानिक पहाड़ की हवेली की शोभा को देखा अब छोटी रंग की हवेली में क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों चीज को करो कि उसमें क्या आ रहा है हमारे पूरे ही जगह ले ली है उन्होंने बड़ा दरवाजा जैसे 312 कोस की जगह है पूरी हवेली की 104 में बड़ा दरवाजा 104 सौ चार चार में चबूतरे अब यहाँ से अंदर आते हैं तो हमारे क्या दिख रहा है 6000 मंदिरों की एक हार फिर दो थम्बों की हार तीन गलिया फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार फिर दो थम्बों की हार तीन गलिया कंपेरिजन हो गया ना वो वाली हवेली में क्या था घुसते थे हम दीवार के अंदर दरवाजे पंद्रह सो थे पंद्रह सो इधर और फिर अंदर आते थे तो पंद्रह सौ महलों की तीन हजार महलों की हार एक दिशा में तो टोटल बारह हजार महलों की हार थी और अंदर आते थे तो वैसे ही बगीचे चबूतरा चबूतरे पिंडोले अब यहाँ पे क्या आया अंदर घुस रहे हैं तो हमारे मंदिरों की हार आ रही है छह हजार और छह हजार में बारह हजार तो ये मंदिरों की हार होगी हमारे दो मंदिरों की हारे होंगे छ हजार मंदिरों की दो हारे अब फिर और अंदर आए सेंटर में तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक हवेली के अंदर मध्य में बारह हजार महलों की बारह हजार हारे बारह हजार देखो अब गिनती बढ़ गई ना वहां तो टोटल बारह हजार ही महल आए थे एक हवेली के अंदर और इसकी एक हवेली में क्या आ गया कि कुल ही 14 करोड़ चालीस लाख महल ही आ गए चौदह करोड़ चालीस लाख महल ही एक हवेली के अंदर आ गए और उसके अलावा दो मंदिरों की हारे भी आ गई एक्स्ट्रा तो ये एक हवेली छोटी रांकी की नरेश जी क्या कहना चाह रहे ये छोटी हाँ, हाँ, रंग की एक छोटी हाँ, हाँ, रंग में इसमें स्टार्टिंग में ही एंटर करते छह हजार मंदिरों की हार आई और फिर दूसरी हार आ गई दो थम्ब तो ये जैसे रंग महल में था ना हाँ बिल्कुल मंदिरों की हार और फिर दो थम्भों के वैसे हाँ बिल्कुल वैसे रंग महल के समान बिल्कुल ठीक है अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहे महल और बढ़ गए बारह हजार महलों की बारह हजार हारे चौदह करोड़ चालीस लाख महल ही एक हवेली में और वहां एक हवेली में मानिक पहाड़ में खाली बारह हजार महल थे ठीक है अब इसमें से हम एक महल की शोभा यदि देखते हैं तो क्या शोभा आती है एक कलर पिक्चर भी देखते हैं ये देखो और इसके बाद सुंदर साथ ने भी अच्छी शोभा बनाई है उसको भी देखते हैं ये मंदिरों की हार फिर दो थम्बों की हार फिर मंदिरों की हार फिर दो थम्बों की हार तो ये बारह हजार महलों की बारह हजार हारे इसमें चार चार की चार हारें ही दिखाई हैं तो ऐसी बारह हजार महलों की बारह हजार हारें अब फिर से पीछे चलो बैक चलो वापस से दोबारा से इस चबूतरे के ऊपर चढ़ो अब हम हमने सिर्फ एक हवेली की शोभा देख रहे हैं अब इस चबूतरे पे खड़े हैं तो बारह हजार हवेलियों की हारे हैं इस चबूतरे के ऊपर और हम उसमें एक हवेली की शोभा समझ रहे हैं जिसमें बाहर तीन सौ बारह कोस की हवेली है बाहर बड़े चबूतरे जो पूरी ही हवेली की जगह पूरी ले ली उन्होंने बड़ा दरवाजा बड़े चबूतरे और ये पूरे साठ हजार पूरे ऐसे ही सीधे ऊपर जाएं। जाएंगे तो हमारे दो मंदिरों की हार छह हजार मंदिरों की पहली हार फिर दो थम्बों की हार फिर छह हजार मंदिरों की हार और इसके अंदर क्या है बारह हजार महलों की बारह हजार हारे एक हवेली के अंदर ऐसे ही इसके अंदर भी वही शोभा इसके अंदर भी इसके अंदर सारी हवेलियों के अंदर सोचो एक हवेली के अंदर चौदह करोड़ चालीस लाख तो महल ही फिर एक महल के अंदर चौदह करोड़ चालीस लाख तो मंदिर ही होंगे फिर एक मंदिर के अंदर चौदह करोड़ चालीस लाख कोठरिया होंगी फिर एक कोठरी के अंदर तो बगीचे वो मंदिरों के हारे तो आएंगी और बगीचे नहरे चे बच्चे वो सेंटर में आएंगे मतलब वो एक के अंदर सोचो कितनी विशाल शोभा एक हवेली की और मानिक पहाड़ की तो टोटल ही हम अंदर घुसते थे तो बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारे और फिर एक महल के अंदर हमारी थी बारह हजार मंदिरों की हारे ठीक है तो अब इस हवेली को फिर से खोलते हैं हम एक हवेली की शोभा बार, बार बार एक चीज को देखेंगे तो समझ में आती है ये एक हवेली अब मैं नक्शा सुंदर साथ ने जो बनाया उसको और देखते हैं हमारे सुंदर साथ एक एक चीज में डूब के मेहनत करके उस चीज को बनाते हैं कि किसी तरह समझ में आए ये देखो ये एक हवेली छोटी रंग की एक हवेली बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारों में से एक हवेली की शोभा उसमें क्या है ये देखो पूरी तीन सौ बारह को उसकी एक हवेली है उसमें बड़े बड़े चबूतरे पूरी वो दीवार घेरी और बड़ा दरवाजा अंदर आते हैं तो ये रेड कलर के दिख रहे हैं ये मंदिर फिर दो थम्बों की हार तीन गलियां फिर मंदिर फिर दो थम्बों की हार तीन गलियां फिर क्या आ रहा है बारह हजार महलों की बारह हजार हारे और देख लो फिर एक महल में हम अंदर घुस रहे हैं तो वैसे ही ये बड़े चबूतरे चारों दिशाओं में फिर अंदर घुस रहे हैं तो फिर से मंदिरों की हारे ये दिख रही हैं दो मंदिरों की हारे ये येलो कलर में फिर दो थम्बों की हारे और फिर मंदिर आ जाते हैं महलों में बारह हजार मंदिरों की बारह हजार हारे फिर एक मंदिर में घुसते हैं तो वैसे ही शोभा अब इतना अंदर नक्शे में वो बनता नहीं है ना कि उसके अंदर भी वो चीज बन जाए तो फिर भी कोशिश करी है हवेली में भी महलों की शोभा बनाने की अब जो आमने सामने चबूतरे आए हैं जैसे ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी चौबीस महरा पूरी वो कैसे आएंगी चौबीस सब सब धाम दरवाजे से अंदर एंट्री करते ही हमारा अट्ठाईस स्तंभ का चौक और फिर उसके बाद हमारी चौरस हवेलियां कोल हवेलियां चौरस हवेलियां ऐसे नौ फिरावे अब एक चौरस हवेली के बाद दूसरी चौरस हवेली चार चौरस हवेली के बीच में क्या शोभा आई थी यहाँ पे वो सुंदर साथ बताएंगे कि क्या शोभा आई थी चौरस हवेलियों के बीच में जहाँ चौक बनता है कॉर्नर्स में क्या शोभा आई थी रंग महल में याद है चौबीस महराबे हमने अच्छे से समझी है प्रणाम जी आंटी प्रणाम जी बच्चे मध्य में एक और चौक के ऊपर चौबीस मेहराबे आएंगे चार चौरस हवेली रंग महल की समझ लो और उसके कॉन ये वर्ग सेंटर में क्या आएगा यहाँ पे बोलो दोबारा यहाँ क्या आएगा यहाँ पर एक चौक लेगा और रंग महल में यहाँ पे कमर भर ऊंचा चौक बना था और फिर ऊपर हाँ जी हाँ जी चबूतरा और उसके ऊपर चौबीस महराबे ठीक है वैसे ही समान शोभा यहाँ पे भी चार हवेलियों की यहाँ पे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसमें भी हमारी चौबीस मेहराबे आमने सामने भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे तो उसकी शोभा एक महाराज जी के नक्शे से देखते हैं हम चौबीस मेहराबों की शोभा ये देखो एक तो ये हवेली के चारों तरफ ये चबूतरे नजर आ रहे हैं। और एक नक्शा थोड़ा सा दूसरा खोलते हैं ये वाला ये हमारे नजर आ रहे हैं। ये वाले ये चार हमारे महल इनके बीच में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा और उस पर ऐसे मेहरा और आमने सामने चबूतरों की तो बननी है चौबीस महराबे इधर ये पूरा जो एक कमर ऊंचा चबूतरा चार हवेलियों के बीच में चार मोहल्लों के बीच में ये तो ये तो दो मंदिरों की हार ये दो थंबों की हार और बीच में बारह हजार महलों की बारह हजार हारे और फिर से ये अलग से महाराज जी ने ये क्वेश्चन में करके चौबीस मेहराबों को समझाया है कि कैसे बीच में हमारे आमने सामने चबूतरों की मैरागों में सेम हमारे रंग महल की शोभा के समान तो हमें ये क्या समझ में आया कि बारह अब हम मह या हवेली में महल की शोभा समझी इसी को हम एक महल की शोभा को समझेंगे एक महल के अंदर जाएंगे तो वैसे ही पूरे बड़े दरवाजे बड़ा चबूतरा अंदर आएंगे तो दो मंदिरों की हार वैसे ही छह हजार मंदिरों की हार दो बोल देती हूँ मैं छह हजार मंदिरों की एक हार फिर दो थम्बों की हार तीन गलियां फिर छह हजार मंदिरों की दूसरी हार फिर हार फिर मोहल्लों में घुस गए तो ये क्या बन जाएगा हमारा बारह हजार मंदिरों की बारह हजार हारे और ये चौक बने हुए हमारे चबूतरे कमर और ऐसे ही एक मंदिर के अंदर घुसते हैं तो ये बारह हजार कोठरिया हो जाती हैं और यदि एक कोठरी में घुसते हैं तो क्या शोभा आती है एक कोठरी में घुसते हैं तो मंदिर की हारे तो वैसे ही आएंगी ये जो छह हजार मंदिरों की दो हारे वैसे ही आएंगी और सेंटर में हमारे बगीचे नहरे चेह बच्चे फुआरे वो सब पूरे और कमर भर ऊंचा चबूतरा चबूतरे के बीच में एक हमारा स्विमिंग पूल। ऐसी शोभा पूरी घेर के छोटी रांग की हवेली में आई है अब इसमें ये देख रहे हैं हम ये पांच नहरों के बीच में ये चार चौक पांच नहरें थी और चार चौक में ये सब हवेलियां घेर के आती जाएंगी और सबके वृक्ष आपस में जो यहाँ पे हमारे आठ बगीचे इधर भी आए थे सबकी मेहराबे मिलती जाएंगी सब चांदनिया एक होती जाएंगी और ऊपर से हमें क्या नजर आएगा चांदनी पे सब मिल जाएंगे नहर ये नीचे रह जाएंगी सब पेड़ों ने आपस में छज्जे बढ़ा के मिलान कर लिया इधर से और इधर से किससे मिलान होगा बन की नहरों के वृक्षों से साठ हजार भूम सब चांदनी एक हो जाएगी तो नजर कैसे आएगा हमें वो देखते हैं कि क्या शोभा नजर आएगी

हाँ ये नक्शा देख रहे सब हो सबकी चांदिया एक होगी ना बराबर ऊपर से क्या नजर आ रहा है सिर्फ ये चार हवेलियां नजर आ रही हैं हमारी छोटी रांग की एक दो तीन चार सबकी पेड़ों ने चांदनी बना ली अब मैं यदि जवेरों की नहर पे खड़ी हूं तो मुझे कितनी सीढ़ियां नजर आ रही हैं वहां पे ये वाली कोई बता सकता है जवेरों की नहर की पे वो चौसठ भूम वाले मोहल पे खड़ी हूँ तो मुझे कैसे क्या नजर आ रहा है उस चीज पे पहुंच के देखो कितनी सुंदर सीढ़ी नुमा नजर आएगी कौन सुंदर साथ ने रेजेंट किया उस शोभा को दिल में एक बारी देख के देखो कितनी सीढ़ियां नजर आएंगी चित्रांशी का फटक से जवाब आता है मैं जवीरों की नहर पे खड़ी हूं तो मुझे कैसे सीढ़ी नजर आ रही है है ना चौसठ हाँ जी प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी दिदी का दीदी उसके बाद अल बड़ोबन की बारह हजार भूम की एक सीढ़ी फिर मधुबन की की, फिर महाबन अड़तालीस हजार फिर वन की नहरें साठ हजार और छोटी रंग साठ हजार वो सेम हो जाएंगी वो सेम तो टोटल तो बराबर चार सीढ़ियां हमें नजर आएंगी ऐसे ऊपर चढ़ती हुई यदि मैं ये टॉप पे खड़ी हूँ यहाँ पे चौसठ मोहल की चांदनी पे खड़ी हूँ तो मुझे कितना सुंदर दृश्य नजर आएगा ऊपर मैं यहां खड़ी हूं तो।, तो हमने जो शोभा समझी छोटी रंग की हवेलियां ये साठ हजार होम इस शोभा में किसी को हाँ जी कौन बोल रहे आशु बोल रहे, तो, रहे दे दे। हाँ जी बोलो आशा पेड़ों की नहरों की उतरती भी दिखाई देंगी दीदी चौसठ पे अगर खड़े होंगे हाँ। हाँ, वो तो आएंगी वो वाली तो नीचे नीचे वाली तो हाँ ना? जैसे आप यहाँ खड़े हो चौसठ वाली पे ऊपर तो मुझे बत्तीस है ना हाँ। सोलह हाँ ये हाँ। भी कितनी अच्छी शोभा आपने बताई ये भी बहुत अच्छी शोभा है कि आप यहाँ खड़े हो तो आपको वो भी सीढ़ियां नजर आ रही कितनी अच्छी बात बताई और भी शोभा दिल में अच्छे से बसेगी कि मैं सबसे टॉप पे खड़ी हूँ तो यहाँ पे भी पहले उतरूंगी वो शोभा देखनी है ना मुझे मतलब मैं खड़ी हूं ऊपर तो मुझे ये उतरती सीढ़ी भी नजर आ रही है और ये ऊपर चढ़ती शोभा नजर आ रही सब सुंदर साथ के दिल में ये शोभा बसी कि कैसे छोटे रंग की हवेलियां कैसे एक एक ये देखो अब आशु मेरे को एक बात पूछनी है आपसे ठीक है मेरे को कंफ्यूजन है किरण दीदी एक बात दिल में आ रही थी कि जो हम साठ हजार भूम ऊपर चांदनी पे आ गए किरण दीदी है ऊपर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी. चांदनी पे हम खड़े हैं तो ऊपर गुमटिया आएंगी क्या ऊपर चांदनी चौक पर उन्होंने कही उपर, कोई लिखी, लिखी नहीं है।, है ना पर आएंगी तो चाहिए क्योंकि आपके वो जा रहे हैं चौखूटे गुर्ज हरेक हवेलियों के ऊपर जा रहे हैं हाँ जी हाँ जी है ना तो गुर्जो गुम्मट की शोभा आएगी हाँ गुम्मट अगर रंग मोहल में जैसे गुम्मट आए गुमटिया कलर्स कंगूरे सब शोभा आएगी है ना दिल्ली में और चांदनी चौक के? नीचे आएंगे सिर्फ दो भोम के हाँ, वो नीचे यहाँ की दो भोम रंग महल के दो भोम नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ वो नीचे गए मतलब ये तो यहाँ की हाइट के अकॉर्डिंग ये वाली गिनती वहां नहीं चलेगी हाँ, हाँ यहाँ के दो भोम है तो ये दो भोम जाएंगे पेड़ हम्म वो इसके अकॉर्डिंग हरा, हरा, हरा लाल हाँ, हरा लाल वृक्ष यह, के हाँ, के अकॉर्डिंग ही उन वृक्षों की वो ऊंचाई होगी हाँ जी ठीक है ये बनाई हुई थी पर मुझे लगा कि मैंने पढ़ा नहीं है तो पूछेंगे बात करेंगे सहूर करेंगे कि ऊपर गुम्मट कलश क्योंकि चबूतरे तो उठे रहे ना बारह हजार हवेलियों के वो चबूतरे तो ऊपर तक जा ही रहे ना साठ हजार चौखुटे गुर्ज बड़े बड़े ऊपर जा रहे हैं तो ये शोभा इस तरह से देखो इन्होंने अलग अलग ऊपर चांदनियों पे शोभा बनाई है अलग अलग कितनी बड़ी चांदनिया पर अब वो फूल पत्ते क्यों दिखाए क्योंकि सब महराबे आंखें मिल गई तो ऊपर चांदनी पे पूरी वही शोभा गार्डन की और हमें यहाँ पे यदि हम चांदनी पे छत पे खड़े हैं तो हमें चांदनी चौक नीचे दिखेगा बाकी सब पेड़ों की वृक्षों ने डालियों ने सब छज्जे आके मिलान कर लिया ठीक है अब हम यहां से चलते हैं छोटी रंग की हवेलियों से चलना है हमें बड़ी रंग की तरफ उसकी तरफ चलने के लिए हमें क्या रास्ता होगा उसको हम समझते हैं ये छोटी रंग की हवेलियां यहां से चलना है हमें बड़ी रंग की हवेलियों की तरफ तो छोटी रांग की मैं इस फोर्थ वाले इस पार्ट में हूं यहाँ पे यहां से मुझे चलना है तो सबसे पहले क्या शोभा आएगी मैं उस चबूतरे पे खड़ी हूं होम भर ऊंचे चबूतरे पर चबूतरे से नीचे उतर के क्या दिखेगा मुझे चांदनी चौक चांदनी चौक की रौस से निकल के मैं कहा तक आई उस नहर तक ये वाले चौक की ये वाली नहर ये नहर अब नहर की शोभा कैसे आती है एक चौक की नहर की कि हमें सबसे पहले ऊपर रौस वन रौस फिर कमर भर ऊंची पाल और फिर जल रौस मिलेगी फिर बीच में पुल मिलेगा एक मुझे पुल को पार किया और फिर से जल रौस और पाल को पार करते हुए वन की रौस पे आ गई अब मुझे बड़ी रंग की हवेलियों पे चलना है तो छोटी रंग की इस नहर से हमें चार लाख कोस चलना पड़ता है तब जाके बड़ी रंग की हवेली का ये चबूतरा आता है इस नहर से ये जो नहर है लास्ट वाली कितनी नहरें थी ये पांच नहर थी छोटी रंग की पांच नहरें आई थी ना तो पांचवी नहर से मुझे जब चलना है बड़ी रंग की तरफ तो चार लाख कोस का रास्ता पार करना है तब जाके बड़ी राम की हवेली तक मैं पहुंचूंगी तो उस रास्ते में क्या क्या आएगा उसको समझने के लिए पहले मुझे बड़ी रंग की हवेली की शोभा को समझेंगे यहाँ बगीचे आएंगे मैं एक मोटी मोटी बात बता देती हूँ फिर उसको हम विस्तार से समझेंगे कि चार लाख कोस की दूरी है ऐसे तो नहीं मैं बता रही कि इस तरह से कितनी तो उसमें हमें बगीचे आएंगे खूब सारे रेती की रौसे आएंगी जैसे एक रेती रौस फिर बगीचा इस तरह से क्रम से हमें बगीचे खूब सारे मिलते जाएंगे और वनों की शोभा आएगी उनको पार करते करते हम बड़ी रंग की हवेली के पास पहुंचेंगे तो उसको समझने के लिए पहले मुझे बड़ी रंग की इस हवेली को समझना है फिर उधर से बताएंगे कि नीचे उतर के क्या शोभा आती है जो मुझे बड़ी रंग से छोटी रंग पे लेके चलती है अभी सिर्फ यहाँ ये हमें समझना है कि इस नहर से चार लाख कोस की दूरी पर बड़ी रंग की ये हवेलियां हैं अब हमने ये कितने हाथ की शोभा समझी ये वाली ये हमारी हवेलियां सब जवाब देंगे छोटी रंग की हवेलियां कितने हांस में अभी समझी हमने बत्तिस। हा, बत्तिस हांस. एक हांस में एक में हवेली तो ये हांस की हमने चार फिरावे कर लिए तो एक सौ अट्ठाईस हमारी छोटी रंग की हवेलियां ठीक है थीके? और हमारी जवेरों की नहर की थी एक सौ चौबीस को अब कितने थे हमारे चौक नौ तो नाइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने सारे जवेरों के महल की हवेलियां थी और ये हमारी टोटल एक सौ छोटी रंग की हवेलियां अब हम समझते हैं पहले बड़ी रंग की हवेलियों की पूरी कि कैसे क्या बना हुआ है सागर किसको कहते हैं जमीन क्या है कैसे हवेलियां बनी हुई है टोटल ये क्या है फिरावा पूरी बड़ी रंग की हवेलियां कितनी आई हैं तो उन बत्तीस हाँस में हम समझेंगे ठीक है जैसे यहाँ तक ये यह बत्तीस हास फिर बन की नहरों को भी बत्तीस हास में क्यों डिवाइड किया कि इसकी भूमि उतनी आ रही थी साठ हजार भूम थी ये भी साठ हजार भूम एक छत तो रही थी तो एक हाँस में के सामने जितने भी वन की नहरों के चौक आए तो वो उसी हाँस के हो जाते हैं तो इसीलिए उसको हाँ में डिवाइड कर दिया था बत्तीस को भी तो ये भी हमारे बत्तीस की अब अब आगे भी अब हांस की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है ये नहीं कि एक हांस बराबर जैसे वहां पे हमारे 500 सौ कोष था फिर एक खास बार जूम करो यहाँ हजार हो गया फिर उसके बाद दो हजार हो गया फिर चार हजार ऐसे बढ़ता जाता है ये गिनती सारी लिखी हुई है कि एक खास बराबर यहां तक कितना हो गया और यहाँ तक आते आते एक इतना बड़ा हो गया और यहाँ तक आते आते एक की इतनी लंबाई हो गई तो ये तो हम अपने आप पढ़ेंगे कि कितना लंबा चौड़ा बन रहा है मुझे तो बस अभी ये समझना है कि ये बने कैसे हैं क्या हवेली बनी है कैसे क्योंकि गिनती बहुत ज्यादा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने अब हम समझते हैं ये कितनी हवेलियों के अब हम ये हमने चार फिरावे समझे इसको हम थ्री में डिवाइड कर लो बड़ी रंग की हवेलियों की तीन हारे बत्तीस हांस में ही समझ लो तीन हारे ठीक है ये छोटी रंग के साथ लगती बत्तीस हवेलियां महाबिलंद बड़ी रंग की बत्तीस हवेलियां एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में गुर्ज एक हवेली गुर्ज एक हवेली गुर्ज बत्तीस हवेलियां घेर कर ये बड़ी रंग की ठीक है उसके बाद हमारे ये लास्ट वाला फिरावा इसमें भी ऐसे बत्तीस हवेलियां घेर कर बत्तीस और बत्तीस कितनी हो गई चौसठ इस फिरावे में भी बत्तीस बस लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी कि उसमें सब लंबा चौड़ा आगे जो यहाँ साइज था वो आगे सब बढ़ता जाएगा तो बत्तीस और बत्तीस चौ चौतीस और चौसठ हो गया और बीच में आ जाएंगी हमारी सोलह हवेलियां अब वो सोलह कैसे आई हैं सोलह तो हवेलियां आएंगी और आठ सागर आठ जमीन बीच में हमारे सोलह हवेलियां और आठ सागर आठ जमीन मतलब टोटल बत्तीस ही चीजें आएंगी अंदर लेकिन सोलह हवेलियां होंगी और आठ सागर होंगे और आठ जमीन होंगे पार्ट्स हमारे बत्तीस ही बनेंगे सेंटर वाले के भी इधर बत्तीस हवेलियां किनारे पे इधर भी बत्तीस और बीच में हमारे आ रहे हैं सोलह हवेलियां और आठ सागर आठ जमीन अब वो कैसे हैं ये देखो बत्तीस तो हमारी आए एक हवेली एक, गुज, एक हवेली एक गोल गुर्ज ठीक है अब सेंटर में कैसे आता है उसकी शोभा को हम समझते हैं जैसे एक सागर ठीक है सागर के बाद हमारी एक हवेली फिर एक जमीन फिर एक हवेली फिर एक सागर फिर एक हवेली इस तरह से सोलह हवेलिया और एक सागर एक जमीन मतलब सागर के चारों तरफ हमारी हवेलियां देख रहे हो एक ये सागर है इसके दिशा में भी हवेली है और कॉर्नर्स में भी दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अगिन और सागर चारों तरफ हवे और क्या है हवेलिया जमीन है बीच में तो इसके भी चारों तरफ हवेलियां फिर सागर के चारों तरफ हवेलियां फिर जमीन के चारों तरफ हवेलियां तो हम यदि इजी वे में समझेंगे तो 32 पहले फिरावे में 32 लास्ट वाले फिरावे में और बीच में कैसे आई है 16 हवेलियां और 8 सागर 8 जमीन तो उसको क्रमश कर लेंगे पहले सागर आएगा फिर उसके बाद जमीन वाला आ जाएगा उसी चौक में जैसे ये सागर है फिर उसके बाद हवेली आई तो फिर जमीन आ गई फिर हवेली आई ठीक है और यदि किसी के दिल में कुछ और आ रहा है समझाने के लिए तो अपने भाव रख सकते इजी वे में समझाने के लिए कि सुंदर साहब को पहले पिक्चर क्लियर होए कि ये कैसे अस्सी महाबिलंद हवेलियां और आठ सागर आठ जमीन की शोभा इन तीन फिरावों में आई है आशु आप बोलो इस चीज को रिपीट करो कई बार वो शब्द अच्छे मिल जाते हैं दूसरे सुंदर साथ के मुख से कि इजीली समझ में आ जाए हमें ये वाला पोर्शन कि कैसे आया है और जमीन में भी वैसी ही शोभा अभी हम शोभा सब की अंदर अलग समझेंगे कि कैसी शोभा आई है ठीक है प्रणाम जी सुंदर साथ जी जिस तरह अभी हमने चार हार हवेलियों का वर्णन सुना उसमें चार लाइंस आई हैं चार हार का मतलब इसी तरह से अगर हम समझेंगे तो ऐसे ही बत्तीस महाहवेलियों के तीन फिरावे आए या तीन हार आए फिरावा और हार दोनों एक ही बात के दो अलग अलग नाम कह सकते हैं हम लोग तो बत्तीस सबसे पहला जो फिरावा आया उसमें बत्तीस महाहवेलियां 32 बत्तीस हास में आई इस हिसाब से एक हवे महा हवेली एक हास में आई और उसके बाद एक बड़ा गुर्ज की शोभा आएगी दो महा हवेलियों के मध्य में एक बड़े गुर्ज गुर्ज की शोभा आती है। उस के अंदर दो थो की हार तीन गलियां चलती हैं। त्रिपोलिया जिसे बोला जाता है इसी त्रिपोलिये से होके हमारे को रास्ता बताते हैं परमहंसों ने जो रास्ता बताया है कि हम त्रिपोलिये से होकर आगे मतलब पार कर सकते पूरी महा हवेलियों को जिस बिना किसी ज्यादा ऊपर नीचे उतरना जाना जो भी ध्यान लगाने के लिए जब हम चलते हैं परमधाम की तरफ मूल मिलावे की तरफ तो बाहर से जब आते हैं तो इसी बड़े त्रिपोलीय में से होकर हम लोगों को रास्ता लेना होता है उसके बाद जो सेकंड हार आएगी उसमें आठ तो हवे महा हवेलियां आए सोलह महा हवेलियां आएंगी बट एक महा हवेली के बाद जो गुर्ज है गुर्ज भी आएगा गुर्जों की जगह पर वहां पर वो दीदी क्या ये सीढ़िया हाँ, इसमें नहीं आएगा ना देखो गुर्जन उतरना पड़ेगा ना नीचे उतरने के लिए हाँ, आती हैं दोनों तरफ चांदनी चौक, हाँ, चौक हाँ, की शोभा हाँ, आ जाती हुँ, है ठीक है हाँ, और एक महा हवेली के दाए तरफ अगर सागर आएगा तो बाएं तरफ जमीन आएगी इस तरह से एक तरफ सागर और दूसरी तरफ जमीन की शोभा तो इस तरह से सोलह महा हवेलियां आठ सा आठ जो सागर और आठ ही जमीन का वर्णन आया हुआ है दूसरी हार में उसके पश्चात फिर से हम तीसरी हार में जब पहुंचेंगे जैसे सुंदर साहद जी हमने देखा कि दो महावेलियों के मध्य में भी त्रिपोलियों की शोभा आई इसी तरह से दो महा मतलब पहली हार से दूसरी हार तीसरी हार आने के बीच में भी त्रिपोलिये ही चलते हैं दो थम्बों की हार तीन गलियां आती हैं अभी दीदी आगे वर्णन बताएंगे कहा कुछ डिफरेंट शोभा आई है जैसे जहां थोड़ा ऊंचाई पे महा हवेली आई है तो वहां पर सीढ़ियां जो उतरेंगी उनकी शोभा आ जाएगी चांदनी चौक की शोभा आ जाएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी और सागर के दाएं बाएं भी ऐसे ही हमारे को रेती और चांदनी चौक की शोभा मिलेगी नहीं तो मैक्सिमम जगह पर हमारे को त्रिपोलीय दिखाई देंगे दो थम्बों की हार तीन गलियां इन दो महा हवेलियों के मध्य में उसके बाद जो तीसरी हार आएगी उसमें भी कुल बत्तीस महा हवेलियों की शोभा आई है जो कि एक खास में एक महावेली आई है और उसके पश्चात चांदनी चौक और बेहद भूमि का शुरुआत जहां से होती है हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं आगे की शोभा दे दी आपा हवेली की आज स्टार्ट करनी है नहीं बस अभी एक बारी और क्लियर करते हैं इस बात को कि ये पिक्चर जब तक दिल में नहीं बसेगी ना कि हमारी शोभा कैसी आई है उस चीज को समझना है देखो मैं यहां से छोटे रांग की इस हवेली से उतर के मुझे चलना है बड़ी रंग की हवेलियों में ठीक है अब हमें पहले ये पता चल गया कि एक जो सेंटर वाली हवेली है उसके उत्तर में सागर और दक्षिण में जमीन सेंटर वाले पार्ट में बाकी तो दोनों फिरावों में हमारी समान बत्तीस बत्तीस हवेली आ रही है ठीक है ये एक हवेली है उसके उत्तर में जमीन और इधर सागर अलग अलग एक सागर एक जमीन एक एक जमीन एक हवेली एक सागर एक हवेली फिर एक जमीन एक हवेली ऐसे क्रम से चलेगा तो आठ सागर आठ जमीन बीच में और सोलह हवेलियां ठीक है अब मैं यहाँ से जब चलती हूँ मुझे सिर्फ हवेली की तरफ चलना है यहाँ पे मतलब कि सेंटर वाली हवेली की तरफ जाना है तो मैं चार लाख कोस की दूरी को पार करके ये भोमबर ऊंचे ही चबूतरे हैं जैसे ये हमारी छोटी रंग के ऊंचा चबूतरा था अब उसमें नीचे बगीचे थे अब ये पूरा ही भोमबर ऊंचा चबूतरा इसके बगीचे नीचे आ गए उसमें तो चार चांदनी चौक थे ना अब इस जो बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारे हैं तो इसमें बारह हजार ही चांदनी चौक एक दिशा में उस लाख कोस की जो जगह है उसमें सामने हमारी हवेलियों से नीचे उतरेंगे तो वैसे ही चांदनी चौक आएंगे एक हवेली के सामने जैसे हमने ये छोटी राम की हवेली के सामने चार चारों दिशाओं में चार चांदनी चौक थे ना इसकी यहाँ पे हमारे बारह हजार चांदनी चौक होंगे इस हवेली के उतरते क्योंकि ये हवेलियों के हरेक हवेली के सामने अपना चांदनी चौक और जैसे त्रिपोलिया है जो त्रिपोलिया आएगा उस त्रिपोलिया के सामने रेती की रौस एक एक हवेली के सामने चांदनी चौक पूरे बारह हजार चांदनी चौक हरेक हवेली के सामने और इसमें क्या था हमारे चारों दिशाओं में चार चांदनी चौक तो हवेली भूम भर ऊंचे चबूतरे से जब मैं हवेलियों के सामने उतरती हूँ तो मुझे चांदनी चौक नजर आ रहा है और जो बीच में त्रिपोलिया आता है जैसे एक हवेली एक त्रिपोलिया एक हवेली एक त्रिपोलिया तो त्रिपोलियों से नीचे उतरती हूँ तो मुझे रेती रौस मिलती है त्रिपोलियों के सामने भी सीढ़ी उतरी है तो अब इस चबूतरे पे कितनी सीढ़ियां उतर गई एक तो हवेलियों के सामने बार हो गई बारह हजार तो वो सीढ़ियां उतर गई और त्रिपोलियों से भी सीढ़ियां उतरी तो चौबीस हजार सीढ़िया उतरेंगी ऊंचे चबूतरे से नीचे तो जब नीचे उतरूंगी हवेली के सामने से नीचे उतरी हूँ तो मुझे चांदनी चौक नजर आ रहा है और एक रौस और चांदनी चौक के आसपास रंग में क्या था अमृतवन के बगीचे आते थे ना ऐसे ही हमें वो बड़े बगीचे चार लाख कोस के पूरे बगीचे नहर तक लेके चलेंगे इसलिए ये चीज समझनी थी कि भाई कैसे ये बगीचे जैसे ये हमारी हवेली है हवेली के सामने अब ये बना सही नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल हवेली के सामने चांदनी चौक आता है अब उस चांदनी चौक से मैं नीचे उतरी भूम भर की सीढ़ियां उतरी सामने मैंने क्या देखा हमें चांदनी चौक लाल हरा वृक्ष नजर आ रहा है अब मुझे छोटी रान की हवेली पे उधर के उस चौक पे जाना है तो मैं इस रौस से चल रही हूँ चार सौ कोस की चौड़ी रौस कमर भर दाए बाए मुझे जो बगीचे दिख रहे हैं वो चार लाख कोस के लंबे ऐसे बगीचों के बीच में से होती हूँ तब इस छोटी रंग की नहर तक पहुंचती हूँ तो कहने का मतलब ये हुआ इस नहर से जब मैं चल रही हूँ जो चार लाख कोस की दूरी आएगी तो मुझे कितने बगीचों की हारें आएंगी और बीच में जो रेती रोस मिलेगी उसके सामने जो सीढ़ी आएगी तो वो त्रिपोली पे ऊपर चढ़ाएगी मुझे तो चौबीस हजार सीढ़िया हो गई ना उतनी बारह हजार तो हवेलियां और बारह हजार त्रिपोलियों की सीढ़िया एक हवेली एक त्रिपोलिया एक हवेली एक त्रिपोलिया एक हवेली एक त्रिपोलिया तो बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारे हैं ये इसमबर ऊंचे चबूतरे पर जैसे छोटी रंग के भोमबर ऊंचे चबूतरे पर हमने देखी थी बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारे और उनमें भी त्रिपोलीय लेकिन चांदनी चौक एक ही था सामने एक दिशा में लेकिन इसकी एक दिशा में यहाँ हमें बारह हजार चांदनी चौक नजर आ रहे हैं और त्रिपोलियों के सामने रेती रौस यानी कि बिल्कुल चव, चम चमाती रेती जो होती है चांदनी चौक के साथ दो खुनी, तिखुनी रेती की रौस पूरे नहर तक लेके जाएगी इतनी बात आज हम क्लियर करेंगे कि ये पिक्चर दिल में बने कि हम यहाँ से आ रहे हैं तो चार लाख कोस की दूरी पर मुझे ये बगीचे नजर आ रहे हैं बारह हजार बगीचे नजर आएंगे और बारह हजार ही रेती रौस के रस्ते नजर आएंगे चार लाख कोस के लंबे जो मुझे कहाँ पहुंचाएंगे बड़ी रंग की हवेली के चबूतरे के पास ठीक है इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है ये वाली शोभा में तो क्वेश्चन कर सकते हैं बाकी हम बात कल समझेंगे क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हम समझेंगे हर बात को किसी सुंदर साथ के दिल में ये बात नहीं बसी है तो हम उसको दोबारा अभी कर सकते हैं अभी हमारे पास पांच मिनट है समझ सकते दीदी इन बगीचों की ऊंचाई कितनी होगी ये बगीचों की ऊंचाई चौदह करोड़ चालीस लाख ऊंचाई भी दीदी पूरी बराबर जाएंगे हवेलियों के बराबर जाएंगे तो दीदी फिर वो शोभा पूरी ऊंचाई पूरी भूमि ऊंची हाँ पूरी वृक्षों की भी भूमि उतनी ऊंची जाएंगी जितनी महावेलियों की है ओके okay. मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं था मतलब फिर भी हाँ, आप सही कह रहे कि इनकी भूमि मतलब पूरी ये जो बगीचों की भूमि है बेबी दीदी कि आप क्या पूछ रहे छोटी रांग के एक चौक में जो पिछहत्तर लाख का एक चौक बना बत्तीस हाथ में बत्तीस हवेली आई है हाँ जी इसमें बड़ी रंग में भी बत्तीस आएंगी हवेली आई आए, है उसके सामने बारह हजार चार निचोक आएंगे हाँ, जैसे ये एक हवेली है। हाँ ये इसको हाँ। चबूतरा है ना? इस हर हाँ एक हवेली का आपकी आवाज करते एक हाथ में बारह हजार हाँ जी एक हाथ में बारह हजार चांदी चौक आएंगे और बारह हजार रेती हाँ जी हाँ बिल्कुल त्रिपोलियों के सामने हाँ त्रिपोलियों के सामने रेती रोस हवेलियों के सामने चांदनी चौक चांदनी चौक चौबीस हजार सीढ़ियाँ पूरी उतरेंगी उस भूम्बर ऊंचे चबूतरे से चौबीस हजार सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगी हमारी उसको हम चार लाख कोस की दूरी पार करके इस नहर तक पहुंच जाएंगे ये वाली नहर तक लंबाई थीक, इतना रास्ता पार करेंगे मतलब इतनी दूरी है छोटी रंग की हवेली से हमें इस नहर से हमें इतना रास्ता और ये शोभा अलग अलग जैसे पूरे बारह हजार मुझे चांदनी चौक नजर आ रहे हैं और बारह हजार ही रेती रोस के रास्ते नजर आ रहे हैं एक चांदनी चौक रेती रोस एक चांदनी चौक तो तब मैं जाके इस चबूतरे पे पहुंचूंगी जी ठीक ये? है और ये जो है गुर्ज ये भी शोभा हम समझ लेते हैं जैसे ये गुर्ज गोल गुर्ज आए ना एक हवेली गोल गुर्ज एक हवेली गोल गुर्ज तो इसके सामने हमारी क्या शोभा आती है यहाँ पे ये जो नहर पूरी चलेगी और साथ से ये नहर भी इस नहर के साथ पूरी नहर साथ चलेगी नहर के आसपास हमें रस्ते जैसे वो पूरी नहर निकल रही है नहर के साथ जल वो पूरी पाल का रास्ता मिलेगा उस पाल से भी हम चलते चलते और यहाँ पे भी सीढ़ी जैसे यहाँ नहर खत्म होगी तो यहाँ पे भी हमें दो सीढ़िया और पालों की भी ऊपर इस गुर्ज पे चढ़ने के लिए वो भी क्योंकि तो पूरा चीज समझ आनी चाहिए ना इतना पोर्शन है मेरा ये वाला इसमें भी हमें सीढ़िया ऊपर पहुंचाएंगी ये भी भोमबर ऊंचा चबूतरा ही है जिसपे गोल गुर्ज बना है एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए बीच में गुर्ज की शोभा जैसे हमने ऊपर पुखराज पहाड़ के ऊपर समझी थी चार की चार हारे सोलह हवेलियां बीच में गुर्ज आता था ना एक हाँस के बाद फिर एक गोलगुर्ज है ना फिर एक हवेली से हमें दूसरी हवेली में जाना है तो गोलगुर्ज बीच में आते थे और बीच में दो थम्बों की हार तीन गलियां तो इस हवेली से दूसरी हवेली में जाना है तो ये बीच में से हम ऐसे जा सकते और नीचे क्या आता है मोमबर नीचे हमें इसके भी सीढ़ियां तीन तीन बोम्बर की सीढ़िया गुर्जों के सामने भी उतरी हुई नीचे इन यहाँ से भी उतर के हम पूरी रॉस चलेगी यहाँ पे भी वो भी नहर तक पहुंचाएगी हमें तो ये गोलगुर्ज के सामने का रास्ता ये हवेलियों के सामने रास्ता तो ये चार लाख कोस लंबाई में और बारह हजार बगीचे हमें और बारह ही हजार रेती रोसे नजर आएंगी चौबीस हजार रस्ते हमारे ये उस नहर तक पहुंचने के लिए ठीक है ये चीज क्लियर होनी चाहिए पिक्चर बिल्कुल स्टार्ट वाली जी ठीक है आज, ठीक है। आज की शुभ हम इतनी समझेंगे क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना एक एक चीज को अंदर धीरे धीरे हाँ जी कुछ आंटी आप क्या कह रहे हैं प्रणाम जी प्रणाम जी, जी। का समझ नहीं आया ये दोबारा समझा दीजिए हाँ ये जैसे दीदी एक हवेली से दूसरी हवेली में गुर्जों की शोभा आती है ना बीच में यानी कि दो थम्बों के हर तीन गलियां बाहर से वो गुर्ज की शोभा गुर्ज में क्या छह दरवाजे होते हैं तीन रस्ते बाहर और तीन अंदर ये तो हमें पता ही है गुर्ज की शोभा अब यहाँ पे हमें ये भी भोम भर ऊंचा चबूतरा ही तो है ये पूरा ही एक तरह से हम ये समझे की बत्तीस हाँस का एक भोम भर ऊंचा चबूतरा घेर के उठा दो कट्ठा ही उठा दो कुछ अलग अलग उठाने की जरूरत ही नहीं है एक साथ ही उठा दो ये वाला क्योंकि सब आपस में गोल गुर्ज बीच में आ रहे हैं गोलाई में एक भोमबर का ऊंचा चबूतरा और चौड़ाई में तो पता नहीं दो करोड़ कितना है वो लिखा हुआ है मेरा उतना चौड़ाई में जिसमें बारह हजार हवेलियों की बारह हजार हारे हैं तो ये पूरा चबूतरा उठ गया तो अब इस चबूतरे से हम मुझे यदि गुर्ज से नीचे उतरना है यदि इस चबूतरे से तो इस गुर्ज के सामने भी मुझे बोमबर की दो सीढ़ियां नजर आएंगी उतरने के लिए और बीच में नहर चल रही है ये नहर चलेगी और ये पूरी नहर इस नहर तक पूरी चल रही है ठीक है वो नहर आसपास नहर नजर आएगी ठीक है ये नहर कहीं समय नहीं आया था हो गया ये नहर पूरी यहाँ तक अब इसमें इस नहर का राज है ये अंडरग्राउंड ये नहर इसके अंदर से चलेगी ठीक है अंदर अंदर चल रही है रेती रोस के अंदर से चलती हुई सागर में यहां से हम मैं उल्टा समझा रही हूँ सागरों से जल कैसे उधर पहुंचना है इस सागर से अंडरग्राउंड जल रेती रो ये वाले रेती के मैदान से नीचे होता हुआ इस नहर में आता है इस नहर से इधर फिर छोटी रंग की हवेलियों से होता हुआ ये जल इधर आता है फिर सबको पानी देते हुए यहाँ से पूरे रंग महल में पानी देते हुए वापस से फिर रिटर्न दूसरी तरफ फिर ऐसे आता हुआ दूसरे गुज के अंदर से इधर वापस से समुन्द्र में पूरा ऐसे जल का पूरा जो है समुद्र से ही तो सारा ये सागरों से ही तो पानी इधर से जा रहा है सब हाँ जी ठीक है जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर जय